सोसाइटी जो में हमारे समाज में जब भी जेंडर की बात की जाती है तो हमेशा मेल और फीमेल की बात की जाती है, पर आज हम आपको एक ऐसे समुदाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो समाज में होते हुए भी समाज का हिस्सा नहीं है। भारत में हम जब भी जेंडर की बात करते हैं तो स्त्री और पुरुष की बात ही होती है, जिन्हें समाज में दर्जा मिला हुआ है। लेकिन समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो समाज से होते हुए भी समाज का हिस्सा नहीं होता, जिन्हें हम ट्रांसजेंडर, हिजड़ा या किन्नर कहते हैं। हमारे समाज की यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम किन्नरों को अपनी खुशियों में तो शामिल करते हैं, लेकिन उनके दुख, दर्द और खुशियों में हम कभी शामिल नहीं होते। मेरे बोले बाबा, मेरे प्यारे बाबा, किन्नरों से जुड़ी बातें बताने जा रहे हैं। किन्नरों की चर्चा महाभारत से होती है। जब रक्त और वीर दोनों बराबर होते हैं तो किन्नरों का जन्म होता है। किन्नर अपने आराध्य देव अरावल से साल में एक बार विवाह करते हैं, जो सिर्फ एक दिन के लिए ही होता है। माना जाता है कि किन्नरों का जन्म ब्रह्मा देव की छाया से होता है। किन्नरों को सब धर्म जाति से अलग रखा गया है। भारत में हर साल 40 से 50 हजार किन्नर पैदा होते हैं। किन्नर समुदाय खुद को मंगलमुखी मानते हैं, इसलिए वो सिर्फ मंगल कार्यों में ही शामिल होते हैं। जब किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है या शादी होती है तो वो खुशियाँ मनाने के लिए और उसे आशीर्वाद देने के लिए घर में पहुँच जाते हैं। होने पर ही मांगते हैं और उनके मांगने का तरीका भी इतना मजेदार होता है कि आप उसे देखकर लोटपोट हो जाएंगे। ले आओ एक थाली में आटा, कटोरी में चावल, कटोरी में चीनी, अच्छी से साड़ी, मारुति गाड़ी, सोने की अंगूठी, 25,000 रुपए नगद। कहते हैं कि किन्नर की दुआ में बड़ी ही ताकत और बरकत होती है। जब किन्नर किसी को दुआ देता है तो बरकत ही बरकत होती है, इसलिए जब भी किन्नर आपसे मांगे तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे जरूर दे दें। एक लंबी लड़ाई के बाद भले सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को मेल फीमेल से अलग ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में शामिल कर दिया हो और उनके अधिकार और हक की बात की, पर यदि हम वास्तविकता की बात करें तो आज भी किन्नर को अपने पैदा होने से लेकर उनके अंत तक बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। जब किसी घर में किन्नर पैदा होता है तो समाज को तो छोड़िए, उसका परिवार भी उसे नहीं अपनाता। जब किसी परिवार को ये पता चलता है कि उसका बच्चा या बच्ची किन्नर है तो वे उन्हें घर से निकाल देते हैं। कोर्ट ने भले इनके लिए नौकरियों में आरक्षण की बात की, पर आज भी इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती। इनका बैंक अकाउंट नहीं खुलता। हॉस्पिटल में इनके इलाज की बजाय इनके लिंग को लेकर बात की जाती है। किन्नरों को आज भी नाचने या सिग्नल पर भीख मांगने और देह व्यापार के अलावा कोई भी काम नहीं मिलता। हम और आप जब भी किसी किन्नर को देखते हैं तो हमें वो हंसते और खुश दिखाई देते हैं, जबकि उस हंसी के पीछे बहुत सारा दर्द छुपा होता है। तो आपको नहीं लगता कि किन्नरों को भी हमारे जैसी आम जिंदगी जीने का हक है?